नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल्स के साथ मैं हूं आयशा अहमद। आज हम आपको मखनी चिकन जिंजर बनाने की रेसिपी सिखाएंगे। मखनी चिकन जिंजर बनाने के लिए जिन अज्जा की ज़रूरत है उसमें चिकन 1 किलो, ऑयल 1/2 कप, प्याज 2 अदद, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कूटी हुई सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, भुना कुटा जीरा 1 टेबलस्पून, भुना कुटा सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून, मक्खन 3 टेबलस्पून, क्रीम 1/2 पैकेट, दही 1/2 कप, टमाटर 3 अदद चॉप्ड, हरा धनिया चॉप्ड 1/4 गड्डी, पुदीना चॉप्ड 1/4 गड्डी, नमक हसबे जायका और जूलियन कट अदरक 3 टेबलस्पून। बनाने का तरीका, सबसे पहले थोड़े से पानी में प्याज और 4 से 5 हरी मिर्चों को डाल के बॉईल कर लें। बॉईल हो जाने पर इनको ब्लेंडर में डालकर पीस लें। अब एक कढ़ाही में सबसे पहले ऑयल डालें और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसको अच्छी तरह से भून लें। जब अदरक लहसुन भून जाए अब आप इसमें वो पेस्ट शामिल करें जो आपने ब्लेंड करके भी रखा था प्याज और हरी मिर्च का। इसको थोड़ा सा भून लें। इसके बाद इसमें तमाम मसालेजात को शामिल कर दें कसूरी मेथी के अलावा, जिसमें सुर्ख मिर्च, काली मिर्च, हल्दी, कुटा हुआ जीरा, कुटा हुआ सूखा धनिया और नमक शामिल कर दें। जब मसाला भुन जाए तो अब आप इसमें चिकन को शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करें, साथ ही साथ इसको ढककर थोड़ी देर के लिए पकाएं। अब ढक्कन हटाकर इसको मिक्स करें अच्छी तरह। अब इसमें टमाटर शामिल कर दें। टमाटर शामिल करके इसको अच्छी तरह से भून लें और फिर थोड़ी देर के लिए ढक दें ताकि टमाटर अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। अब इसके बाद इसमें आप कुछ ग्रेवी चाहते हैं तो 1/2 प्याली पानी शामिल कर दें और इसको उस वक्त तक पकाएं जब तक कि चिकन पूरी तरह से गल ना जाए। चिकन के गलने पर 1 प्याले में 1/2 कप दही और 1/2 पैकेट क्रीम को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इस टाइम पर इसमें दही और क्रीम के मिक्सचर को बिल्कुल हल्की आंच करके मिक्स कर दें। इसके बाद इसमें कसूरी मेथी डाल दें। कसूरी मेथी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और जूलियन कटी हुई अदरक को इसमें शामिल कर दें और थोड़ी देर के लिए ढककर दम दे दें। अब ढक्कन हटाकर इसमें कटा हुआ हरा धनिया, कटा हुआ पुदीना और हरी मिर्चें शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब 1-2 मिनट के लिए सिर्फ ढककर इसे दम दें। उसके बाद डिश आउट करके गरम गरम नान या चपाती के साथ पेश करें। याद रहे, अगर आप ज़्यादा ऑयली मखनी चिकन जिंजर नहीं पसंद करते तो आप इसमें से क्रीम को रिमूव कर दें
और बाकी तमाम रेसिपी उसी अंदाज से बनेगी। और आप इसमें दही थोड़ा ज़्यादा शामिल कर दें और लास्ट में मक्खन डालकर इसको गरम गरम पेश करें। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगली रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।